दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में नियुक्त हुए 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार से 11 सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि किन नियमों के तहत इसकी नियुक्ति हुई। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पत्र की कॉपी दी जाए, क्या इन्हें ऑफिस स्पेस दिया गया था, क्या इन्हें कैंप ऑफिस के लिए कोई जगह दी गई थी, क्या इन्हें कोई फोन की सुविधा दी गई थी, क्या इन्हें कोई सैलरी ऑफर की गई थी या इन्हें कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई। साथ ही यह भी सवाल किया गया कि क्या इन्हें कोई घर दिया गया था। इनसे पूछा गया कि कितने सपोर्टिव स्टाफ दिए गए थे, उन्हें किस तरह का काम दिया गया था और हर एक संसदीय सचिव का क्या काम था। आम आदमी पार्टी के 21 विधायक मार्च 2015 में केजरीवाल सरकार में संसदीय सचिव बनाए गए, जिन पर लाभ के पद पर होने के आरोप में चुनाव आयोग में मामला चल रहा है, जिसमें 14 जुलाई को सुनवाई शुरू होगी। यहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस समय अपने 21 विधायकों की सदस्यता पर लटकी तलवार की चिंता करने के साथ ही अब दूसरे राज्यों में बने हुए संसदीय सचिव का मुद्दा उठाकर हमलावर मूड में आ गई है। आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग से मिलकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार में नियुक्त संसदीय सचिवों की शिकायत करेंगे और इन विधायकों को लाभ के पद के चलते अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पंजाब सरकार में 24 संसदीय सचिवों की नियुक्ति संविधान की मूल भावना और आर्टिकल 191 का उल्लंघन है, जो कहता है कि कोई भी विधायक या सांसद अयोग्य घोषित हो जाएगा अगर उसने सरकार में कोई भी लाभ का पद लिया है। साथ ही चिट्ठी में कहा गया है कि पंजाब की आर्थिक हालत पहले ही खराब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है, जेल तक गिरवी रखी गई है। ऐसे में संसदीय सचिवों को मिलने वाले वेतन भत्तों की वजह से करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। ऐसे में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेने वाले शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के विधायकों को अयोग्य घोषित करें। पंजाब में कुल 24 संसदीय सचिवों में से 19 शिरोमणि अकाली दल के और 5 बीजेपी के हैं।